नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम कच्चे केले के लंबे वाले चिप्स बनाएंगे। ये चिप्स बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत जल्दी बड़ी आसानी से बन जाते हैं। तो आइए कच्चे केले के लंबे वाले चिप्स बनाना शुरू करते हैं। केले के चिप्स बनाने के लिए हमने ये 6 केले ले लिए हैं। अब हम इन्हें छील कर काटेंगे और इन्हें तलने के लिए हमने तेल गर्म करने रख दिया है। एक केला उठाएंगे, बिल्कुल जहाँ तक हरा छिलका है उतना मोटा छिलका उतारेंगे। चिप्स कटर ले लेंगे और इसके नीचे एक बर्तन रखेंगे, लंबाई में चिप्स काटेंगे। इस तरीके से लंबे लंबे चिप्स कट कर तैयार हो जाएंगे। ये लास्ट में जो थोड़ा सा मोटा पार्ट रह जाता है, इसे काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हाथ को भी बचाना होता है, तो इन्हें हम अलग रख लेंगे। तेल को चेक कर लेते हैं। एक चिप्स हम तलने के लिए डालते हैं। हमें केले के चिप्स तलने के लिए तेल मीडियम हाई गरम चाहिए। तो चिप्स अच्छे से तला जा रहा है, हम चिप्स तेल में तलने के लिए डालेंगे। इन्हें इस तरीके से एक एक करके डाल देंगे। जितने चिप्स कढ़ाई में एक बार में आ जाए उतने चिप्स हम डाल देंगे। केले के चिप्स को हाई फ्लेम पर पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। चिप्स थोड़े से नीचे से सिक गए हैं, इन्हें हम पलट देंगे। और जब तक हमारे ये चिप्स तलकर तैयार होते हैं, हम दूसरा केला इसी तरीके से छील कर काट कर तैयार कर लेंगे। हम एक साथ सारे केले काट कर नहीं रख सकते, क्योंकि केले अगर कटे रखे रहें तो वो काले होने लगते हैं। चिप्स अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, क्रिस्प हो गए हैं। कलछी को इस तरीके से कढ़ाई के किनारे पर रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए, और चिप्स निकालकर प्लेट में रखेंगे। सारे चिप्स इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। ये सारे चिप्स हमने तलकर तैयार कर लिए, और एक बार के चिप्स तलने में 3 मिनट लग जाते हैं। और ये जो केले के छोटे छोटे टुकड़े और छिलके हैं, अगर आप चाहें तो इनको छोटा छोटा काट कर इनकी सब्जी बना सकते हैं। बहुत अच्छी सब्जी बनती है। कच्चे केले के लंबे वाले चिप्स बनकर तैयार हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालकर मिला देंगे। बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही टेस्टी चिप्स बने हैं। इन्हें सर्व कीजिए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।